का कलर सा होता है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, दिवालियां आ रही हैं और दिवाली के लिए हर कोई अपने घर में कुछ ना कुछ डेकोरेटिव पीसेस जरूर बनाता है। मींस बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बनाते हैं और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट से परचेस कर लेते हैं। तो अगर हम परचेस करने की देखें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ख़रीदनी ही होती हैं और हमारा बजट थोड़ा सा हिल जाता है। तो क्यों ना हम वेस्ट चीज़ों से, मींस वेस्ट चीज़ें भी उनको उतनी भी वेस्ट नहीं होती है, हम घर की सफाई में ना कई चीज़ों को ऐसा निकाल देते हैं जो कि जिनका रीयूज हो सकता है, हम रीपर्पस उसको कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का यूज करके हम छोटे मोटे DIY ज़रूर बना सकते हैं और मैं ऐसे ही बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। इवन 2 से 3 दिन में जितना भी मुझे दिवाली डेकोरेशन का DIY बनाना है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज के DIY में भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं आज किस चीज़ को रीयूज़ करने वाली हूँ और उससे बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जिस वेस्ट मटेरियल का यूज़ करने वाली हूँ वो ये है। आप लोगों के घर में भी भगवान के ऐसे कपड़े होते होंगी ना, चुनरियाँ, ये ऐसी चुनरियाँ। और मेरे पास है माता रानी, तो माता रानी के लिए ये ऐसे लहंगे मैं लाती हूँ। तो ऐसा लहंगा या जो लड्डू गोपाल के कपड़े होते हैं, ठाकुर जी के कपड़े होते हैं, देवी की चुनरियाँ होती हैं, ये जैसे थोड़ा थोड़ा सा फट गया तो हम इसको हटा देते हैं या इसको अब जैसा भी जो करते हों, बहुत लोग मिट्टी में दबा देते हैं, बहुत लोग प्रवाहित कर देते हैं, तो हम इसके लेस को निकाल लेंगे। इसके लेस से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, DIY कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी कितना सुंदर सा प्यारा सा लेस लगा है। तो इससे मैं क्या आज बनाती हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने ले लिए हैं कार्डबोर्ड के 4 टुकड़े, राउंड शेप में मैंने कट कर लिए हैं और ये एक चुन्नी की लेस निकाल रही हूँ मैं। ये चुन्नी एकदम नई थी, 1-2 बार यूज़ किया हुआ है और जैसे कि मैं ना हमेशा वॉश करते रहती हूँ, जो मंदिर के कपड़े होते हैं, भगवान के कपड़े, तो वो वॉश करने में थोड़े ख़राब भी हो जाते हैं और कई थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का कभी नहीं निकलता है तो उसके धागे खिंच जाते हैं और वो फटे से लगते हैं। तो जैसे हम लोग फटे कपड़े नहीं पहनते, हम लोग अपने जो ईस्ट हैं उनको कैसे पहना सकते हैं। तो उसको फेंकने से पहले या प्रवाहित करने से पहले जो भी आप करते हैं एक बार रीयूज़ तो करना बनता था। तो ये कार्डबोर्ड पे पहले मैंने एक्रिलिक कलर से पेंट कर लिया है और उसके बाद इस पे आप ग्लू गन के हेल्प से ग्लू भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ फेविकोल का यूज किया है और इसके चारों तरफ इस लेस को मैं चिपका लूँगी और ये बहुत आसानी से चिपक जाएगा। इसके लिए आप फेवी बॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फेविकोल से भी आसानी से ये चिपक जाता है। थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ना है और फिर देखना कि ये कितना अच्छा, मतलब आप इसको कैंडल कोस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर किसी कॉर्नर पर रख कर इसके ऊपर दिया भी रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। मतलब नॉर्मल जैसे हम दिया रखते हैं ना, उससे ज़्यादा सुंदर ये लगेगा। बनके रेडी हो गए, ये देखिए 4 पीसेस में ये बने हैं मेरे और टोटल 4 टाइप के ब्लॉक्स बनाए हैं मैंने। 2 पीस इसके बने हैं, 2 पीस में ये बने हैं और 2 पीस ये बने हैं। ये और दिवाली का DIY तो चल ही रहा है, साथ ही साथ चल रहा है हर कमरे की सफाई। तो रोज़ एक एक कमरा करके मैं साफ़ कर रही हूँ और जो हमारा मेन बेडरूम है उसके दीवान में मैं वुलेंस रखती हूँ, तो वो सारे वुलेंस भी मैंने निकाल लिए हैं। अब लगे हाथ वुलेंस की धुलाई भी हो जाएगी और अलमीरा में ऑर्गेनाइज भी, और साथ ही
3 बोरे में मैंने ये निकाला हुआ है। ये डोनेट करने के लिए कपड़े हैं, जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं जिनको हम साल भर में यूज़ करते हैं और फिर लगता है कि नहीं अब इसे हमें नहीं पहनना, तो उसे मैं डोनेट कर देती हूँ। और ये घर का हाल देखिए। तो फ्रेंड्स, दिवाली की सफाई के साथ साथ दिवाली की शॉपिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मेरी पहले के ब्लॉग्स में भी शेयर किया था। तो अभी इस रूम के लिए, जो मेरा बैक साइड बेडरूम है, यहाँ पे मंदिर भी रखा है हमने। और इस रूम का जो पेंट है वो पिंक कलर का है, लाइट पिंक और डार्क पिंक में है। मीन्स जो फॉल सीलिंग है वो डार्क पिंक कलर की है और बाकी जो वॉल है एकदम बेबी पिंक को एकदम लाइट कर देंगे तो उस कलर का है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार इस रूम में, जैसे दिवाली डेकोरेशन में पूरा पिंक कलर का थीम रखा जाए, पिंक कलर के कर्टेंस और बेडशीट वगैरह सब पिंक रखा जाए। तो बेडशीट तो मैं अपने लोकल मार्केट से लेके आई हूँ और ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं कर्टेंस, जिसमें कि 2 आपके डोर कर्टेंस हैं और 1 है विंडो कर्टेन। मैं दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा, अच्छे क्वालिटी का है। वैसे मैंने इसको ऑर्डर किया था, मतलब मुझे लगा कि ये बेबी पिंक होगा या तो क्वीन पिंक होगा, बट ये ना तो बेबी पिंक है ना तो क्वीन पिंक है। इसमें एक ही पिंक कलर था ये वाले टाइप में, और ये है अनियन पिंक, जो प्याज का कलर सा होता है ना वैसा है, लेकिन ये वेलवेट में है और बहुत अच्छी फिनिशिंग है। मैं दूर से दिखाती हूँ थोड़ा, ये देखिए, ये है इसकी लेंथ है 9 फिट का है। जो डोर कर्टेन है ना, हमारे डोर काफ़ी ऊंचे ऊंचे हाइट के हैं, तो डोर कर्टेन जो है हमारा ये 9 फिट का है, काफ़ी बड़ा कर्टेन है। और देखिए, पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा है इसमें, ये देखिए ऐसे बना हुआ है, इसमें वेलवेट का कपड़ा है और बहुत ही अच्छा है। कुछ है, इसका प्राइस जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट कि कितने का है ये। और ये एक्चुअली मैं ना, मुझे लगा कि 2 पीस एक साथ है तो मुझे एक पीस दोबारा ऑर्डर करना पड़ा। और ये है 5 फीट का है, ये है विंडो के लिए, और ये भी 9 फीट का है, 2 9 फीट के हैं और 2 5 फीट का है, सॉरी 1 5 फीट का है, 2 9 फीट के कर्टन है। विंडो छोटी सी है तो एक कर्टन उसके लिए इनफ रहेगा। तो बहुत अच्छे क्वालिटी का है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप भी मंगा सकते हैं इसको। और हैंड वॉश है, टोटल हैंड, मतलब मशीन वॉश, वेलवेट में तो मशीन वॉश नहीं करना चाहिए, कर्टन्स तो वैसे भी नॉर्मली हैंड वॉश ही करना चाहिए, तो हैंड वॉश का ही है। बाकी आप चाहे तो मशीन वॉश भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगी, कहीं इसका वेलवेट ख़राब ना हो जाए, ऐसे हल्का हल्का सा हैंड वॉश इसको कर सकते हैं। इसमें और भी कलर्स थे, तो आप भी चाहे तो इस अपने रूम के अकॉर्डिंग, अपने जो वॉल के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में यही सब चल रहा है अभी तो फिलहाल, की दिवाली की सफाई कैसे हो रही है और क्या क्या ऑर्डर कर रही हूँ मैं, क्या क्या परचेस कर रही हूँ मैं दिवाली डेकोरेशन के लिए, अपने घर को सजाने के लिए। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।